तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ से वसुधारा फॉल, और यहाँ पे कुछ इस तरह से पहाड़ी घर और बाकली देख के ना गांव की याद आ गई सही में। हेलो, हम वसुधारा तक जाने और अभी हमें स्वर्गारोहण पर आगे बढ़ते हुए हमारे रोहित भैया। नमस्कार भैया। तो भैया जी वाले अभी ना वसुधारा नीचे से देखने पे ना बहुत नजदीक लग रहा था, लेकिन अभी पता नहीं दूर 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 क्यों जा रहा है। और अभी देखो थोड़ी देर पहले नीचे पत्थर ही पत्थर थे, अब यहाँ पे देखो हरे भरे बुग्याल बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से, और मैं संतोष पिछ की तरफ से प्यार भरा पहलाद। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों कल रात हम जो है बद्रीनाथ में रुके थे, और हमारा टेंट कुछ इस तरह के जगह पे लगा था, और यहाँ पर से ना मतलब वैसे हमने टेंट लगाने की जगह तो बहुत अच्छी चुनी थी, बट ना रात को हमने अंदाजा भी नहीं था हमें कि रात में हमें किस हिसाब से जो है ठंड होने वाली है, और हुआ भी ऐसी इतना ठंडा हुआ कि क्या बताऊं। तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ से वसुधारा फॉल। तो अगर आपको वसुधारा फॉल जाना है तो आपको सबसे पहले बद्रीनाथ में आना पड़ेगा। बद्रीनाथ से जो है रास्ता जाता है माणा गांव के लिए, माणा गांव में ही जो है वसुधारा वाटरफॉल आता है। आज जो है हमारा वहीं का स्टे है, और यहाँ के दुकानों में आधा किलो चावल भी नहीं था, अभी भी जो है मैगी खाना पड़ा। मैगी खाने के बाद जो है अपना सामान समेट के हम लग चुके हैं अभी माणा गांव को रास्ता, और यहाँ पे कुछ इस तरह से पहाड़ी घर और बाकली देख के ना गांव की याद आ गई सही में। तो फिलहाल तो यात्रा पे फोकस करना है, गांव तो फिर जाएंगे। अभी जाते हुए ना हमें एक प्यारा सा कुत्ता मिला, तो कुत्ते के जब वो कुत्ते के साथ खेल रहे थे तो आंटी भी थी वहाँ पे, और वो आंटी और भैया लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है हमें चावल भी दिए। तो अभी जो है लग चुके हैं माणा गांव के लिए, और अभी हमें फीलिंग ऐसी आ रही है ना जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में धूप तो लगी रहती है पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, सेम वही फीलिंग आ रही है। और इतनी बर्फीली ठंडी हवा चल रही है क्या बताऊं, लेकिन धूप ने जो है ऊपर से साथ दे रखा है बिल्कुल मस्त वाला। मैं ओली में है एक महीने, ओली में एक महीने, एक महीने में ओली से ट्रेवल कर रहे हो, कैसा लग रहा है फिर आपको हमारा देवभूमि उत्तराखंड? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आप माना गए थे इधर उत्तराखंड आके 2 महीने हो गया। तो अभी जो है एक भैया मिले थे हमें, वो आए थे उड़ीसा से, मतलब बोल रहे थे कि पूरा उत्तराखंड घूम चुका हूँ और 2 महीने से उत्तराखंड में ही है। और काफी चलने के बाद जो है हमें माणा गाँव की झलक दिखने लग गई है। सुबह से जो है एक मैकी के भरोसे चल रहे थे, और अभी वो कहते हैं ना दिल साफ हो तो भगवान भी मदद करने आ जाते हैं, तो कुछ इसी तरह से जो है हमारे आर्मी वाले भाइयों ने जो है हमारा साथ दिया और हमें मतलब एक वक्त का खाना खिला दिया। और माणा गांव की तरफ हमें आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी का काफी खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। 5-6 दिन पहले। अच्छा, गणेश गुफा कहाँ पे होगी? सर यहाँ से 100 मीटर पे गणेश गुफा है, 200 मीटर पे व्यास गुफा है, फिर ऊपर से रास्ता है भीमपुर और सरस्वती के लिए। हेलो, हम वसुधारा तक जाने। और अभी माणा गांव में होते हुए अब हम लग चुके हैं अपने स्वर्गारोहण यानी कि वसुधारा वाटरफॉल देखने के लिए, और अभी हमें स्वर्गारोहण पर आगे बढ़ते हुए हमारे रोहित भैया। नमस्कार भैया। तो भैया जी वाले और भैया भी आजकल जो है उत्तराखंड ही घूम रहे हैं, लेकिन भैया के पास तो अपनी धनु है उसमें घूम रहे हैं मस्त करके, हमारे पास कोई नहीं, नहीं ये नहीं, है। मैं अपने धनों को बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जो मजा ना ऐसे घूमने में है ना इसके साथ, और सफर टैक्सी और बस में घूमने में जो मजा है ना वो मजा और किसी चीज़ में नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। बाइक में बस कभी कभी लगता है कि यार जहाँ और नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पहुँच जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर आप ऐसे घूम रहे हो ना सबसे बढ़िया तो यही है, लेकिन कुछ टाइम बाद छोटा मोटा जब पैसा आना शुरू हो जाए तो बस से घूमो टैक्सी से घूमो, उससे बढ़िया ट्रैवल और कुछ नहीं है। तो किस्मत भी देखो भाई साहब, मतलब जा रहे हैं हम स्वर्ग की तरफ को, और हमें देखो रास्ते में मिल गए थे हमारे रोहित भाई, क्या बोल सकते, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। अभी ना वसुधारा नीचे से देखने पे ना बहुत नजदीक लग रहा था, लेकिन अभी पता नहीं दूर 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 क्यों जा रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ भी कहो फीलिंग भाई साहब कतई जहर, जिसने भी रखा ना स्वर्ग का रास्ता एक नंबर नाम रखा है। और जो हवाएं चल रही है ना भाई बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होने दे रही है, हालांकि थकान तो लग रही है क्योंकि इतना बड़ा बैग है पीछे से और चढ़ाई है, लेकिन आह जो हवा चल रही है ना भाई उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और नीचे से कलकल करती अलकनंदा नदी, अभी तक जो है कुछ इस तरह की पथरीली जगह थी, लेकिन अब आगे से जो है कुछ इस तरह के हरे भरे बुग्याल आने शुरू हो गए हैं। और अभी तक जो है ना बिल्कुल मस्त वाला सीमेंट वाला रास्ता जो था, और अभी जो है खड़ंच वाला रास्ता चालू हो चुका है, और यहाँ पे एक दो भैया मिले थे
उन्होंने मतलब क्या लोगे बोले थे, मैंने बोला कुछ नहीं थैंक यू, तो बोल रहे थे कुछ ले लो हमें भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है काजू दिए। यहाँ पे पीछे एक जगह देखने को मिला कि लोगों ने जो है कूड़ा एक जगह काफी अच्छा करके इकट्ठा कर रखा है, बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छी जगह में आते हो, ऐसे जगहों को गंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि हम हो या आप हो, कोई भी हो, खुद भी गंदा ना करे, दूसरों को भी ना करने दे। और अभी देखो थोड़ी देर पहले नीचे पत्थर ही पत्थर थे, अब यहाँ पे देखो हरे भरे बुग्याल बिल्कुल। और यहाँ पे ग्लेशियरों का पानी कुछ इस तरह से पिघल पिघल के, और भाई साहब यहाँ पे बर्फ देख पा रहे बिल्कुल ग्लेशियर से गिरते हुए, और वसुधारा फॉल देख पा रहे। और वसुधारा झरना के ठीक बगल में जो है गोंद धारा बहती है, और उसके ठीक बाई साइड को जो है बहती है दूध धारा, तो कुछ इस तरह से, और इस तरह से कुछ सामने का व्यू। और यहाँ की ये भी मान्यताएं हैं कि ये झरना जो है पापियों पे नहीं गिरती है, लेकिन इस चीज को हम कल सुबह ट्राई करेंगे क्योंकि आज रात हम यहीं रहने वाले हैं। तो फाइनली अभी कुछ इस तरह से जो हमारा खाना चल रहा है, और अब और जाड़े में कांपते हुए बिल्कुल टेंट लगाया, और मेरा तो बिल्कुल अंदर का पसीने से ना बिल्कुल भीग रहा था, तो मैंने टेंट के अंदर आके चेंज किया, फिर जाके मस्त करके चाय बनाई और पूरी ला रखे थे हम आर्मी वाले सर लोगों से जो है मांग के हम पूरियाँ ला रखे थे, तो पूरियाँ अभी चाय के साथ खा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, गुजारा यही है। वैसे हमने सोचा था दाल भात बनाएंगे, बट हमें यहाँ लकड़ियाँ ही नहीं मिली, मतलब चाय बनाना इतना मुश्किल हो गया, दाल भात तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों ने जो है वसुधारा फॉल देख लिया होगा, कुछ इस तरह से था वसुधारा फॉल, और आज हम जो है यहीं पे स्टे हैं, और भी अच्छे से देखना है, तो कल यहाँ पे लोग आएंगे जिस समय, अभी जब हम आए ना यहाँ पे कोई नहीं था, तो कल सुबह आएंगे मतलब लोग भी रहेंगे यहाँ पे पब्लिक, जिस समय हम ऊपर आ रहे थे ना तो भाई इतने लोग नीचे जा रहे थे ना, तो क्या। और हम भी करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वसुधारा फॉल का दूसरा वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को जान सकें। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।